छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कंगना रनौत की मच अवेटेड एक्शन फिल्म तेजस का धमाकेदार टीजर आउट हो चुका है। इस टीजर में कंगना रनौत तेजस गिल के रोल में दमदार नजर आ रही हैं। इस चंद सेकंड के टीजर में कंगना पायलट की ड्रेस पहनकर आकाश से दुश्मनों पर आग बरसाने के लिए अपने फाइटर ट्रेड की ओर जाते हुए दिख रही हैं। इस छोटे से टीजर में कंगना ने इतनी जबरदस्त डायलॉग बोले हैं जिसमें देश के प्रति उनकी देशभक्ति साफ झलक रही है। कंगना रनौत की इस धमाकेदार टीजर की शुरुआत पायलट की ड्रेस में होती है। इस टीजर में कंगना की चाल ढाल और अंदाज इतना ज्यादा बेहतरीन है, ये ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर देश की रक्षा करने का जुनून साफ दिख रहा है। कंगना जैसे ही बाहर निकलती है तो जबरदस्त डायलॉग बोलती हुई नजर आती हैं। ये डायलॉग है, जरूरी नहीं कि हर बार बातचीत हो, जंग के मैदान में जंग होनी चाहिए। हो गया मेरे वतन पर बहुत सितम, अब तो आकाश से आग बरसनी चाहिए। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कंगना ने तेजस के लिए कितनी मेहनत की है, अपनी जी जान लगा दी है, वो इस टीजर में साफ देखने को मिल रहा है। टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। वहीं कंगना का स्टाइल इसमें चार चांद लगा रहा है, लेकिन अफसोस इतना कुछ करके भी कंगना ट्रोलिंग का शिकार हो गई है और कंगना का कंपैरिजन सीधा उनके एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि ऋतिक रोशन से किया जा रहा है। दरअसल तेजस की टीजर को देखने के बाद जहां कई फैंस इम्प्रेस हुए तो वहीं कई लोगों ने कंगना को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कंगना को लेकर ये कहा है कि तेजस डिक्टो फाइटर की कॉपी है। लोगों का तो ये कहना है कि कंगना की एक्शन से लेकर फिल्म के टीजर का म्यूजिक तक काफी हद तक फाइटर से चुराया गया है। अगर आपको याद हो तो फाइटर से जो मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें ऋतिक रोशन चलते हुए ही नजर आ रहे थे, वो भी हाथ में अपना हेलमेट पकड़े हुए अपने फ्लाइटिंग जेट की तरफ बढ़ रहे थे, और ऐसा ही कुछ तेजस के टीजर में भी देखने को मिला है। जिसके बाद से कंगना तेजस के टीजर की वजह से कम और ऋतिक की फाइटर की वजह से ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही हैं। अब एरियल एक्शन फिल्म दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर एंटरटेन कर पाती है या नहीं, उनका दिल जीत पाती है या नहीं, ये तो दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बता दें कि कंगना रनौत की तेजस 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी, वहीं ऋतिक रोशन की फाइटर अगले साल जनवरी के महीने में दस्तक देगी। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।